होगा, आप सब ठीक होंगे। अगले वाले चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे फंक्शन को। तो टॉपिक है हमारा बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या होता है? ये भी सॉर्टिंग है, इसमें भी रीअरेंज करते हो, ठीक है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है सिलेक्शन सॉर्ट से, जो हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था। कैसे जी के हमारे पास जो वैल्यूज हैं इसी को देखते हैं, 10 और 30। इसमें हमें करना क्या होता है कि जो दो एडजेसेंट वैल्यूज होती हैं ना, उनको आपस में कंपेयर करना। अगर वो एक्चुअल ऑर्डर में है, यानी कि छोटी वैल्यू पहले या बड़ी वैल्यू बाद में है, तो उनको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर छोटी वैल्यू बाद में है और बड़ी वैल्यू पहले है, तो उनको आपस में स्वैप कर देना है, ठीक है। ऐसे करते जाना है, जब एक पूरा पास कंप्लीट होगा ना, तो उसमें ये होगा कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो एंड पे चले जाएगी। स्टार्ट करते हैं, देखिए 10 और 30। 10 छोटा है, 30 बड़ा है, हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, 30 और 50। अब आप देखें 30 जो है वो बड़ा है और 50 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे, 50 इधर आ जाएगा और 30 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब 30 और 25, 30 बड़ा है 25 छोटा है, तो 25 इधर आ जाएगा और 30 को हम यहाँ ले जाएंगे। और अब क्या करना है, हमने अगले दो को देखना है, 30 बड़ा है तो 30 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। ये पहला पास कंप्लीट हुआ। पहले पास में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कहाँ आ गई है, एंड पर आ गई है। अब दूसरा पास शुरू होता है, 10 और 15, ठीक है, 10 छोटा है, 15 बड़ा है, ऐसे देखा। 15 और 25, ये भी ठीक है, 15 छोटा है, 25 बड़ा है, ये ऐसे रहेगा। 25 के 5, अब आप देखें 5 छोटा है और 25 बड़ा है, तो 25 इधर आ जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। अब ये दो बड़ी वैल्यू जो है वो क्या आ गई, एंड पर आ गई। अब दो पास कंप्लीट हो गए। अब थर्ड पास में क्या हो जाएगी, 10 और 15, ठीक है, रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। 15 और 5, हाँ जी 5 छोटा है, तो 5 इधर आ जाएगा और 15 इधर आ जाएगा। ये थर्ड पास कंप्लीट हो गया। आखिरी तीन वैल्यू हैं, आप 15, 25 और 30 देखिए कॉलम में आ गई। अब इन दोनों, अब अगला पास शुरू हो गया, 10 और 5, 10 इधर आ गया और 5 इधर आ गया, क्योंकि ये एक एक्चुअल ऑर्डर में नहीं थे। अब क्या हो गया, आखिरी चार जो वैल्यूज हैं वो क्या आ गई, अपने ऑर्डर में आ गई और फिर बाकी बचे गए वो वहीं पर आ गए। तो देखिए ये क्या हो गया, रीअरेंज हो गया। स्टूडेंट ये था कि किस तरीके से बबल सॉर्ट में हम इसकी वर्किंग जो है, किस तरीके से इसको जो है हम सॉर्ट करते हैं। अब मैं इसका प्रोग्राम लिखूंगा, प्रोग्राम लिखकर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो प्रोग्राम लिखता जी पास कर जी। स्टूडेंट्स ये मैंने प्रोग्राम लिखा है बबल सॉर्ट, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आयो स्ट्रिप को लियो मेन फंक्शन इन अरे फाइव, फाइव साइज की रे आ गई, आई जे टैग हमारे पास अवेलेबल आ गई, आई जे टैग हाँ जी ये आ गई हमारे पास। लूप फॉर लूप जो लास्ट प्रोग्राम में लिखी थी, 5 बार वो वैल्यूज लेगा आपसे, ठीक है। तो मैं यहाँ ही लिखने लगा हूँ, इंटर वैल्यू, इंटर वैल्यू, इंटर वैल्यू, इंटर वैल्यू और इंटर वैल्यू, ये आई से कट 0 से लेकर 4 तक चलेगी, 5 बार लूप चलती, 5 बार इंटर वैल्यू। और आप पहले वैल्यू जो कि अरे 0 में, अरे 1 में, अरे 2 में, अरे 3 में, अरे 4 में, मैं यही वैल्यूज जो हम लोगों ने की थी वही यहाँ लिख लगा बुक से देख कर, जो बुक में वैल्यू दी हुई थी। हाँ जी, वो क्या है, पहले है 10, 30, 15 और उसके बाद 25 और 5, ये हमने वैल्यूज दे दी, यहाँ 10, यहाँ 30, यहाँ 15, 25 और 5, ये वैल्यूज आ गई, ठीक जी। हाँ जी, सी आउट द ओरिजिनल वैल्यूज इन अरे, फर्स्ट में क्या लिखा जाएगा, द ओरिजिनल वैल्यूज इन अरे, इन अरे।
ये फिर एक लूप आ गई जो सिर्फ क्या कर रही है, आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू फोर, जीरो से फिर पाँच चार पे चलेगी पांच बार और जीरो का रेव फाइव की वैल्यू आ जाएगी। जब जीरो होगा तो रेव जीरो, जब वन होगा तो रेव वन, सेम की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, टेन, थर्टी, फिर फिफ्टी, फिर ट्वेंटी फाइव और आखिर में फाइव। अब ये जो है हमारे पास, ये जो है ये बबल सॉर्ट का कोड है, ये करेगा सब। स्टार्ट करते हैं, आई इज इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू क्या है जीरो, आई लेस देन इक्वल टू फोर, जीरो लेस देन इक्वल फोर कंडीशन टू फोर, जे इज इक्वल टू जीरो, जे की वैल्यू भी क्या है जीरो, जे लेस देन फोर कंडीशन टू, यानी जीरो छोटा है चार से कंडीशन टू, इफ अरे ऑफ जे, अरे ऑफ जे कितना है, अरे ऑफ जीरो वो कितना, टेन, बड़ा है किससे, अरे ऑफ जे प्लस वन से, जे प्लस वन कितना है जीरो प्लस वन, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है अरे ऑफ जीरो, ये है अरे ऑफ वन, ये है अरे ऑफ टू, ये अरे ऑफ थ्री और ये अरे ऑफ फोर। अरे ऑफ वन बड़ा है वन पर, अरे ऑफ जीरो, अरे ऑफ जे जीरो है ना, तो अरे ऑफ जीरो बड़ा है किससे, जीरो प्लस वन यानी अरे ऑफ वन से, यानी अरे ऑफ जीरो कितना, टेन, बड़ा है थर्टी से। कंडीशन क्या है, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये कोड क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है। हाँ जी, जे प्लस प्लस, जे कितना हो गया वन, वन लेस देन फोर कंडीशन ट्रू, इफ अरे ऑफ वन, अरे ऑफ वन कितना, थर्टी, बड़ा है किससे, अरे ऑफ वन प्लस वन, अरे वो कितना है फिफ्टीन, यानी थर्टी बड़ा है फिफ्टीन से, कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। टेम्प इज इक्वल टू अरे ऑफ जे, क्या लिखा है, टेम्प इज इक्वल टू अरे ऑफ जे, अरे ऑफ जे कितना है थर्टी, क्योंकि ये बात है अरे ऑफ जे, अरे ऑफ जे कितना, अरे ऑफ वन इज इक्वल टू अरे ऑफ जे प्लस वन, यानी अरे ऑफ जे का मतलब अरे ऑफ वन में किसकी वैल्यू सॉल्व हो रही है, अरे ऑफ जे प्लस वन की, जे प्लस वन कितना फिफ्टीन, तो यहाँ कितना हो गया फिफ्टीन, यहाँ क्या हो गया फिफ्टीन आ गया। और इफ अरे ऑफ, सॉरी, अरे ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू टेन, यानी जे प्लस वन का मतलब क्या, अरे ऑफ टू, उसमें किसकी वैल्यू आ गई टेन की, कितनी थर्टी, तो यहाँ क्या हो गया थर्टी आ गया। ठीक जी, अब आप देखिए कंट्रोल यहां से किया, यहां पर अब क्या होगा जी, j की वैल्यू कितनी हो गई, वन थी, j की वैल्यू कितनी हो गई, टू हो गई, टू लेस देन फोर कंडीशन टू, इफ अरे ऑफ टू, अरे ऑफ टू कितना है थर्टी, बड़ा है किससे, अरे ऑफ टू प्लस वन वो कितना है ट्वेंटी फाइव, कंडीशन क्या है ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा, दोबारा एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ ट्वेंटी फाइव आ जाएगा, यहाँ थर्टी, क्योंकि ये कोड क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है, मैंने अभी आपको पिछले आइटरेशन में समझाया है। फिर जे प्लस वन, जे की वैल्यू कितनी हो गई थ्री, थ्री छोटा है चार से कंडीशन टू, इफ अरे ऑफ थ्री, अरे ऑफ थ्री कितना है थर्टी, बड़ा किसे, अरे ऑफ थ्री प्लस वन फोर फाइव से, कंडीशन क्या ट्रू, जब कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और कोड एग्जीक्यूट होगा इसका मतलब क्या, स्वैप होगा, स्वैप होगा इसका मतलब क्या, फाइव इधर आ जाएगा और थर्टी इधर चला। तो ये एक पास कंप्लीट हुआ जिसके नतीजे में सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ चलेगी, एंड पे चलेगी, यहाँ से कंट्रोल यहाँ जाएगा, क्योंकि जे की वैल्यू फाइव होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आई प्लस प्लस पे। अब आई की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, वन लेस देन फोर कंडीशन ट्रू फोर, जे इज इक्वल टू जीरो, हाँ जी, जे क्या है जीरो, जे लेस देन फोर कंडीशन ट्रू, इफ अरे ऑफ जे, अरे ऑफ जे का मतलब क्या है, अरे ऑफ जीरो कितना है टेन, बड़ा किससे 15 से, j प्लस वन, जीरो प्लस वन, कंडीशन क्या है फॉल्स, 10 बड़ा 15 से फॉल्स, इसका मतलब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। j प्लस प्लस, j की वैल्यू कितनी होगी वन, हाँ जी, अरे वन, अरे वन कितना है 25, अरे वन कितना 15, बड़ा किससे, अरे ऑफ टू से, कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। j प्लस प्लस, j की वैल्यू कितनी होगी टू, टू लेस देन फोर कंडीशन टू, इफ अरे ऑफ टू, अरे ऑफ टू कितना है 25, बड़ा किससे, अरे ऑफ थ्री से, वो कितना है 5, कंडीशन क्या है ट्रू, 25 बड़ा है 5 से, ट्रू है तो इसका मतलब ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, ये स्वैप का कोड है, तो इसका मतलब यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 25 आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये दो वैल्यूज बड़ी होगी। फिर आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू कितनी होगी 2
टू लेस देन फोर कंडीशन टू जे इज इक्वल टू जीरो, हाँ जी जे की वैल्यू क्या है जीरो, जीरो लेस देन फोर कंडीशन टू इफ अरे ऑफ जे, अरे ऑफ जे कितना है टेन, बड़ा किससे इससे, कंडीशन क्या फॉल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी होगी वन होगी, वन लेस देन फोर कंडीशन टू इफ अरे ऑफ वन, अरे वन कितना फिफ्टीन, बड़ा किससे इससे फाइव से, कंडीशन क्या ट्रू, जब कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगी स्वैपिंग होगी, 5 इधर आ जाएगा और 15 इधर चला जाएगा, हाँ जी फिर भी लूप चलेगी, i की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 लेस देन 4 कंडीशन टू j इज इक्वल टू 0, 0 0 लेस देन 4 कंडीशन टू इफ array of j, array of j कितना 10, बड़ा किससे j प्लस 1 से किससे 5 से, कंडीशन क्या ट्रू, ये क्या होगा स्वैप होगा, यहां क्या आ जाएगा 5 और यहां क्या आ जाएगा 10, अब ये लूप चलते जा रहे हैं, लेकिन ये वाली कंडीशन हमेशा फॉल्स रहनी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लूप चलने के बावजूद भी इसने स्वैप नहीं होना है, आई की वैल्यू 4 होनी है, उसने दोबारा फिर चलना है, उसने आपस में कंपेयर करना, स्वैप नहीं होना, तो ये हमारा जो है आखिर में आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये आप देख लो कि सारे के सारे किस ऑर्डर में आ गए हैं, सेंडिंग ऑर्डर में आ गए, कंट्रोल इधर आ गया सीओ द सॉर्टेड अरे, ये दोबारा लूप आ गई सेम यही वाली लूप, फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 4 आई प्लस प्लस सी ओ टू दे 5 की वैल्यू देगी, पहले कितनी आ जाएगी जी 5, फिर 10, 15, 25 और 30, आई की वैल्यू 5, कंडीशन फॉल्स गेट, तो स्टूडेंट ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने प्रोग्राम किया है, इसमें बबल सॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं, जो एडजेसेंट वैल्यूज होती हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं, अगर तो वो अपने ऑर्डर में हो तो हम उनको कुछ नहीं कहते, अगर ऑर्डर में ना हो तो उनको हम स्वैप कर देते हैं, जब एक पूरा पास कंप्लीट हो जाता है उससे बड़ी वैल्यू एंड में चली जाती है, ये तरीका चलता है, सो ऑन ऐसे चलता रहता है, तो इन प्रोग्राम्स को आप लोगों ने करना, ये हमारा चैप्टर रे वाला खत्म हो गया, टू डायमेंशनल रे है वो मैं नहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा जी, इन प्रोग्राम्स को आप लोगों ने खासतौर पर करना, रबर सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट इस चैप्टर में से आपके पेपर में क्वेश्चन आने हैं, ये आप अच्छे तरीके से लाजमी काइंडली इनको कीजिएगा, तो कोई इशू है तो आप लोग पूछा करें, आप लोग पूछते नहीं हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा।